इत्तेहाद बिल्डकॉन लाया है कल्याणशील का सबसे लग्जरियस और एमिनिटीज से भरपूर प्रोजेक्ट एसके वैली। कंफर्ट और लग्जरी को ध्यान में रख के एसके वैली आपको देता है प्रीमियम लाइफस्टाइल। शील कल्याण के बीचों बीच बन रहा है एसके वैली, जहां से आपको कल्याण, नवी मुंबई, पनवेल, मुंब्रा, ठाणे, हर जगह की कनेक्टिविटी होगी आसान। एसके वैली आपको देता है मॉडर्न एमिनिटीज जैसे कि एलिवेटेड स्विमिंग पूल, वेल इक्विप्ड जिम, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, क्लब हाउस, नाना नानी पार्क और एक खूबसूरत मस्जिद। एसके वैली के बारे में और डिटेल जानने के लिए अभी कॉन्टेक्ट करें दिए गए नंबर पर। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। किसको खटक रहा था बदलता मुमरा, किसको खटक रहा था सुधरता मुमरा, किसकी आँख की किरकिरी बनी वो युवा पीढ़ी जो आधी रात को पूरी रात को शहरों की सड़कों पर घुमा करती थी, नशे के खाई में गर्त हो रही थी। ऐसी युवा पीढ़ी को समय पर अपने घर पहुंचने की समझ देने वाली, सीख देने वाली, उनके माता पिताओं को भुला करके, बच्चों की गलतियां बता करके अपनी नैतिक और कर्तव्य दोनों की पूर्ति करने वाली एक महिला पुलिस अधिकारी का अचानक मुमरा से तबादला हो जाना, जिसने इस मुमरा कोसा की फिजा को बदला, माहौल को बदला, लोगों की सोच को बदला, मेडिसिन और नशा, इन दोनों तरह के नशाओं के धंधों पर अंकुश कसा, ऐसी महिला पुलिस अधिकारी का तबादला मुमरा कोसा की आवाम को हजम नहीं हुआ है। यह आज मुमरा कोसा की आवाम ने हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर करके दिखा दिया है। कौसा वाई जंक्शन से लेकर के बिल्कुल मुमरा ब्रिज तक का अलग अलग नुक्कड़ों पर, अलग अलग रास्तों के जगहों पर आवाम ने, महिलाओं ने उतर करके इस विभागीय फैसले का जो है एहतजाज किया है, उसका विरोध जताया है और मांग की है थाने पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी से, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कि इस शहर को, इसकी गाड़ी को पटरी पर लाने वाली असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कृपाली बोरसे को जो है वापस मुमरा पुलिस स्टेशन में उनके उसी पुराने पद पर पुरानी टीम के साथ बहाल किया जाए। क्या कहना था मुमरा कौसा के सामाजिक कार्यकर्ताओं का, आम नागरिकों का और तमाम जनता का, देखिए आज की हमारी एपीआई कृपाली बोरसे वापस लाओ इस खबर में। हमारे साथ है उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान जी। करीम भाई क्या कहेंगे? पूरा शहर आज कह ही रहा है रफीक भाई, पूरे शहर से मैं देख रहा हूँ, बाईपास के इस छेड़े से लेकर के मुंबई स्टेशन तक आज एक आवाज़ जमीन से निकल रही है, लोगों से निकल रही है कि वी वांट कृपाली बोरसे मैडम बैक, क्योंकि इस ऑफिसर को हम नया नहीं जानते, शायद मुमरा नया जान रहे, लेकिन हमारे को लग करके एक डाइगर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर 3 साल का कार्यकाल अच्छे लेवल पर, आप रहते हैं मुमरा में, कारोबारशील डाइगर में, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कृपाली मैडम को कि 3 साल बेदाग उन्होंने एक अच्छा निष्पक्षता से काम किया है, और इधर पर आने के बाद सिर्फ 3 महीने में उन्होंने कहीं ना कहीं 10 पैटर्न्स पर कंट्रोल किया है, यहाँ से गुजरात का आरोपी पकड़ा है, एक बड़ा भ्रष्टाचार उसको उजागर किया है, ड्रेस पैडलिंग पर कंट्रोल रखा है, नाइट जो फालतू लोग घूमते थे, नाइट लाइफ जिसे बोला जाता है उस पर कंट्रोल किया गया है, तो अगर ऐसे ऑफिसर को तबादला किया जाता तो हमारी बात यही है, रिक्वेस्ट है हमारी उच्च अधिकारियों से, सिटी डिपार्ट से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से कि लेडीज ऑफिसर को वापस लाया जाए पूरे मुमरा की। कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, महिलाओं के साथ, कई सारे शहर के लोगों के साथ आज कौसा के इस परिसर में लगभग जैसा आप लोग यहाँ ह्यूमन चेन बना करके खड़े हो, शहर में कई जगहों पर ऐसे कई सारे लोग ह्यूमन चेन बनाकर खड़े, आपके हाथ में एक पोस्टर है, हमारी एक ही मांग, बोरसे मैडम को वापस लाओ, तो क्या मुद्दा है पूरा और बोरसे मैडम को वापस लाने की आपकी मांग क्यों है? बरसों से आपने सब जगह देखा है, सब जगह पढ़ा है आपने कि मुमरा में MD नशीले पदार्थों का सेवन सबसे ज़्यादा होता है, इस बारे में आए दिन यहाँ पर चर्चाएं होती रहती है, आंदोलन होते रहते हैं, NGO आंदोलन करते हैं, हर बार ये देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जब से बोरसे में हमने चार्ज किया और उन्होंने जो काम स्टार्ट किया नशीले पदार्थों के खिलाफ, जो बटन वगैरह MD बोलते हैं, जो उन्होंने काम स्टार्ट किया, उस दिन से मुमरा वासियों को, हम सभी को एक रिजल्ट मिला और कहीं तो इस मामले में कमी आई और बहुत सारे FIR उन्होंने दर्ज किए हैं, इतना अच्छा काम वो मैम ने किया है और उसका रिजल्ट हम सबको देख रही है और हमारे माता बहनी जो भी है मुमरा में वो सब उनको एप्रिशिएट इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि उनको रिजल्ट दिख रहा है, उनके बच्चे रात को घर पे दिख रहे हैं,
ऐसा होता था कि मुमरा में नाइट लाइफ खत्म ही नहीं होती थी। जब से फोर्से में मुमरा में आई है तब से नाइट लाइफ 10 बजे स्टॉप होती है, अपने बच्चे सब अपने अपने घर पे होते हैं। ये इसीलिए हमको मैम को, मैम हमारी जरूरत बन गई है और हमको मैम चाहिए क्योंकि हमारे बच्चों को न्याय मिल सके, हमको न्याय मिल सके। जफर भाई, आपके हाथ में मांग का पोस्टर है, क्या कहेंगे? रफीक भाई, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये किरपाली बोरसे, एपीआई किरपाली बोरसे, ये पिछले 3 साल से सील रायगढ़ पुलिस स्टेशन में कार्यरत थी। बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही निष्पक्षतापूर्वक अपना पूरा कार्यकाल वहाँ से किया। उसके बाद जब मुमरा में आई तो मुमरा में इन्होंने एक अलग तरह का इनकलाब बर्पा कर दिया, नशे के खिलाफ, नाइट लाइफ के खिलाफ। इस चीज़ को लेकर के लोगों के अंदर बहुत ही सराहना ये थी। जो भीड़ खड़ी है आज, ये किसी पुलिस को लेकर के नहीं आई है कि हाँ किसी किरपाली बोरसे को लेकर के, सिस्टम के लिए खड़ी है। सिस्टम चाहती है कि अगर ऐसा सिस्टम आ रहा है जहाँ से हमारे बच्चों का, हमारे जो नशे में लिप्त हमारे बच्चे हैं उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाने वाले थे, वो बोरसे मैडम थी जिन्होंने किया। मैं आपको बता दूँ, बोरसे मैडम के लिए बहुत पूरा शहर खड़ा है एक तरफ। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सीपी कमिश्नर आप पुलिस साहब को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब, जिस दिन से किरपाली बोरसे ने नाइट क्लब को, मुमरा के हर जो गलत एक्टिविटीज़ थी उसको बंद किया, सारे लोगों ने प्रशंसा की। बदकिस्मती से उस लेडीज़ के हाथ में महाड़ा का जो बहुत बड़ा स्कैम था, जब जिस दिन से उसके हाथ में गया है उसी दिन से मुमरा में एक माहौल ये पैदा हो गया कि बहुत जल्द अब इनका कुछ ना कुछ होने वाला है, और बदकिस्मती से उस लेडीज़ के साथ ये हो गया। इस लेडीज़ के साथ जब उसने, मैं आपसे एक भी बताया पहले से रफीक भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि एक 26/11 का जब हादसा हुआ था तो उसमें हेमंत करकरे साहब ने कहा था कि मैं कुछ दिनों के बाद ऐसी तालाब से मछली, बड़ी मछली निकाल कर लाऊंगा जो जग जाहिर हो जाएगा। सेम कंडीशन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में किरपाली बोरसे ने इन्वेस्टिगेशन चलाया, मैं कह रहा हूँ सामाजिक कार्यकर्ता होने की वजह से महाड़ा में जो चल रहा था, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी जो है, जो अधिकारी है, अधिकारीगण हैं, किसी कार्यकर्ता से, किसी नगर सेवक से, बिना किसी से कोई पूछताछ किए जितने लोगों का ये स्कैम किया है, मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि कौन बाधित हुआ है, कौन नहीं बाधित हुआ है, किसका पेपर पात्र है, किसका अपात्र है। वो काम किरपाली बोर से कर रही थी, बदकिस्मती से एक्सीडेंटल जो उसका ये ट्रांसफ़र हुआ है। हम सीपी महोदय से ये रिक्वेस्ट करेंगे, जो पुलिस के हायर अथॉरिटी हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको मुमरा पुलिस स्टेशन में फिर से ला करके उनके पद पर बिठाइए, नहीं तो लोगों के अंदर एक बहुत ही गलत मैसेज पुलिस के खिलाफ, बंदोबस्त के खिलाफ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की छवि का भी सवाल है, इस तरीके के गलत निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों को और विभाग को दागदार कर सकते हैं। मैं एक शेर कह रहा हूँ कि समझ के रखियो कदम दस्तखार में मजनू, किस नवाह में सौदा बरहना पा भी है। क्या बात है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से किरपाली बोरसे के आने के बाद मुमरा में एक बाप, एक माँ, माँ बाप, एक पेरेंट्स जो चाहते थे कि हमारा बच्चा 2 बजे रात को आता था, वो 10-10:30 बजे घर पहुँच जाता था, आज फिर वही कंडीशन बर्पा हो गई है किरपाली बोरसे के जाने के बाद। लोगों को अंदर एक जो नशेली पदार्थ का सेवन करते थे, नशेली पदार्थों का खरीदो फरोख करते थे, उनके अंदर एक हौसला आ गया है। मैं मुमरा शहर का एक अच्छा नागरिक होने के नाते अपने शहर के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऑफिसर को आप पुनः ला करके उसके चेयर पर बिठाए, ताकि सिस्टम के खिलाफ किसी को कोई इस तरह की शिकायत ना हो कि कहीं गलत हो रहा है। हमारे साथ में मुमरा कौसा की कौसा परिसर में रहने वाली एक महिला अपनी कई महिला साथियों के साथ में इस ह्यूमन चेन में शामिल है, क्या कहना चाहेंगी आप अपनी पहचान के साथ? मैं नाजिया हूँ। ये जो नशा होता है, बच्चे नशा सीखते हैं, तो ये सब बंद हो गया था, तो वो मैडम हमको छीए इस जगह पे, और हमारा बहुत मतलब उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और लेडीज़ के लिए भी किया है, इसके लिए हम लोग को उसको वापस बुलाना है। तो आप वापस बुलाना चाहते हैं कमिश्नर साहब से, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से, उनको वापस लाने के लिए क्या कहेंगे आप? उनको लाने के लिए हम ये कहेंगे कि हमारे लिए मतलब हमारा पूरा जनता उनका साथ देने तैयार है, जो चाहते हैं वो हम करना चाहते हैं। जवान बच्चे जो हमारे रहते थे उनके आने के बाद बच्चे हमारे जो है रास्ते लग गए, कहीं कुछ नहीं, रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक बैठे रहते थे। अब उनके आने के बाद उनका जो सर्वे था, बच्चे देखभाल रहे थे, अब उसमें कुछ नहीं कि बच्चे एकदम जगह अपने टाइम पे घर पे पहुँचते हैं और अपना वो काम धंधे पे जाते हैं।
सकती है। बाकी उनको मैडम को ऐसी मैडम का तबादला हो गया है जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि मैडम को दोबारा लाया जाए, और मुमरा में जनता जो भी चाहती है मैडम को चाहती है। और जो नौजवान के बच्चे जो बिगड़े थे, उठते रात को 12 बजे 2 बजे 1 बजे पूरी रात जागते थे, वो अब नहीं देखने को मिला। पेशे से एडवोकेट जी, 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 है आप। जी हाँ, आप अपने नाम के साथ जो है इस मुद्दे पर सीपी साहब से और गृह मंत्री जी से क्या? यही मैं कहूंगा कि मैडम को वापस यहाँ मुमरा भेजा जाए, उनको दिया जाए एपीआई मैडम को। आप अपना परिचय दीजिए, वकील है? जी हाँ, बिल्कुल, मसीहुल्लाह खान जी, एडवोकेट शिमला पार्क। हमारे साथ खौसा जामा मस्जिद के इस नुक्कड़ पर खौसा गांव के और यहाँ के तमाम युवा और आने वाली युवा पीढ़ी दोनों खड़े हैं एपीआई कृपाली बोरसे के समर्थन में, उनकी वापसी की मांग को लेकर के। आखिर क्या कहना चाहोगे? आज पूरे युवाओं की टीम आप लोगों की यहाँ पर खड़ी है, इस मांग को लेकर के क्या अपील करोगे आप वरिष्ठ अधिकारियों से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से? अस्सलाम वालेकुम, मैं बस एक ही अपील करूंगा पूरे अपने सीपी साहब से। मैडम मुमरा में आए थे, नाइट लाइफ जो फालतू लोग रास्ते पे घूमते थे रात को, वो पूरा बंद हो चुका था। हमें मैडम रिटर्न से, हम सीपी साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि मैडम को रिटर्न मुमरा भेजे। समाज में जो सुधार का काम था वो काफी सालों के बाद मुमरा में हमने देखा कि समाज में जो सुधार का काम हो रहा है वो कृपाली मैडम ने उसको स्टार्ट किया। रातों का जो ये उड़दंग था उसको बंद किया, नशे पे कंट्रोल किया, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। इसीलिए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर और नौजवान हैं काम करने वाले जो परेशान हो चुके थे, उनको बहुत अच्छा लगा था, वो छोटी सी खुशी हमको मिली थी। हम चाहते हैं सीपी साहब वो खुशी शहर को फिर दोहरा वापस लौटाई जाए। सलमान रिजवी, आप और तमाम लोग आज यहाँ पर, ये हमारी एक ही मांग, बोरसे मैडम को वापस लाओ। इन पोस्टर के साथ रास्ते पर खड़े हो, ह्यूमन चेन बनाई गई है शहर के अलग अलग हिस्सों में, क्यों करके? देखिए, मैं बताता चलूँ, मुझे आज शहर के अंदर 27 साल हो गया है, लेकिन जिस तरीके का माहौल एपीआई कृपाली भोरसे मैडम आने से शहर में हुआ था, बच्चे नाइट में बाहर नहीं थे, माँ बाप चैन की नींद सो रहे थे घर पे, क्योंकि उनको ये मालूम था कि 11 बजेंगे फौरन हमारे बच्चे हमारे घर पे होगा। नशा आप देखें कि 15 साल 20 साल से किस तरीके से शहर के अंदर नशा आम हो गया था, लेकिन कृपाली मैडम के आने से शहर में नशा भी बंद हुआ, और जिन ठिकानों पे नशा बेचा जाता था वो भी ठिकाने बंद हुए, कई लोग गिरफ्तार हुए, कई पे मुकदमा हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी सिंघम लेडी शहर के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, इसलिए हम लोगों ने रोड पे उतर के उनको वापस बुलाने की मांग की है। उनका जो ट्रांसफ़र है उसको रुकवाने की हम लोगों ने मांग की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सीपी साहब जयजीत सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी लेडी मुमरा शहर के लिए, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी फ्यूचर के लिए। मैं समझता हूँ कि घर में अगर बाप अपने बच्चों को सुधारने में असफल हो जाता है और वही बच्चा कोई दूसरा आके सुधारता है तो बहुत गर्व की बात होती, बहुत अच्छी बात होती थी। ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, आज शहर में 27 साल से रह रहा हूँ, शहर के अंदर जिस तरीके से माहौल शहर के रहने वालों ने, सत्ताधारी पार्टियों ने या किसी अन्य पार्टियों ने नहीं सुधारा, वो एपीआई कृपाली भोरसे ने आके मुमरा शहर को बदल के रख दिया। तो मैं निवेदन करता हूँ, ऐसी लेडी शहर के लिए फ़ायदेमंद होगी, आने वाले भविष्य के लिए फ़ायदेमंद होगी, और जो बच्चे हैं जो नशा मुक्त हो गए थे वो नशे से बाहर आएंगे अगर ये मैडम शहर के अंदर वापस आएंगी। तो इनको वापस लाना है, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी मांग है, इसीलिए हम लोग रोड पर उतरे हैं। आने वाले वक्त में अगर ये यहाँ पे नहीं आए तो इससे बड़ा आंदोलन शहर के अंदर किया जाएगा। मैं आफरीन शेख, मैं कहना चाहती हूँ ये तो एक रीत हो चुकी है मुमरा की, जो भी इंसानियत के नाते क्या कोई भी अच्छा काम होता है मुमरा में, जैसे समाज सेवा का काम हो गया, भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश की गई, इल्लीगल ड्रग्स सप्लाई जो हो रहा है उस पर जो हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह की जो महाड़ा का घोटाला हो रहा है उसमें अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके साथ तो यही होता है कि उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। पता नहीं ये भ्रष्टाचार कब ख़त्म होगा, ये जो ब्राइब जो रिश्वतखोरी जो चल रही है, अगर ये हटेगी नहीं तो समाज कभी सुधरेगा नहीं। जैसे हमने देखा रूपाली बोरसे मैडम जिनका बादला किया गया है, वो अच्छा काम ही करी थी, उनके आने से मुमरा में इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ था कि जो हमने देखा था जगह जगह पे कोरेक्स की बॉटल मिल जा रही थी, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र भी नहीं है, जो 16 साल से भी कम अंडर एज के, वो कोरेक्स नार्कोटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके थे। मैडम ने एक रूल बनाया था कि आवाम को सुधारा जाएगा, अगर वो मैडम इतना अच्छा काम कर रही थी तो उसके विरोध में और उन्हें गंदा एलिगेशन लगा कर निकाला क्यों गया है? हम यही पूछना चाहते हैं, अगर कोई अच्छा काम करता है तो ये कहाँ का रूल है कि उसे बदनाम किया जाए? ये रीति बन चुकी है, चाहे कोई समाज सेविका खड़ी रहे या कोई ऑफिसर खड़ी रहे,
या कोई डॉक्टर खड़ी रहे, जो अच्छा काम करे उसके खिलाफ ही विरोधी बातें की जाती है, उसके खिलाफ ही गलत आरोप लगाया जाता है, उस पर अश्लील इल्जाम लगाए जाते हैं, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होगा? अगर ऐसा होगा तो सामाजिक कार्यकर्ता या पुलिस ऑफिसर या डॉक्टर कोई भी फिर अपनी डिग्निटी पे स्टैंड नहीं हो पाएंगे। हम फ्रीडम ऑफ भारत में रहते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बोलने की अथॉरिटी होना चाहिए, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें लड़ने की। अगर हमारे आगे कुछ गलत हो रहा है, अगर विरोध की कोई चीज़ें हो रही है तो हम उसे रोकना चाहिए हमें, अगर कुछ गलत हो रहा है। बट यहाँ पर तो सब सिस्टम ही उल्टा बदल चुका है, और इसी के मैं मांग करती हूँ कि उन्हें प्लीज़ वापस ला दिया जाए, उन्हें प्लीज़ ट्रांसफ़र उनका जो हुआ है उन्हें वापस से यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन में उनका प्लीज़ स्वागत कर उन्हें प्लीज़ बुला दिया जाए वापस से। क्या नाम है आपका? और आज मुमरा कौसा में कई जगहों पर इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, आप भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम अपने इन लोगों के साथ में, क्यों लाना चाहते हैं वो से मैडम को आप वापस? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज है और मैं यहाँ पे अपने लोगों के साथ में इसके लिए उतरा हूँ कि मुमरा जो है आज इतना नशों में डूबा हुआ था, तो उसको बाहर निकालने के लिए, मुमरा को नशे से बाहर निकालने के लिए जो कदम मैडम ने उठाए थे तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और कैसा है कि मैडम अच्छा काम कर रहे तो उनको बाहर निकाल दिया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया कि मुमरा में कभी कुछ अच्छा काम ना हो, मतलब जो अच्छा काम करेगा उसको मुमरा से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसा यहाँ के बड़े अधिकारियों का सोचना है कि मुमरा हमेशा नशे में डूबा रहे, यहाँ की जो माँ बहनें हैं हमेशा परेशान रहे अपने औलाद को लेके कि हमारी औलाद नशे के उसमें एकदम बर्बाद हो चुकी है, अपने घर वालों को नहीं सुनती किसकी नहीं। तो आज मैडम ने कदम उठाए थे और नशेड़ियों का एकदम नशे में हर चीज़ में उनका कमर तोड़ के रख दिए थे, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि प्रशासन को जो यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी है उनको ऐसा लग रहा है कि उनको तकलीफ हो गई, कमर इनकी टूटी और इनके जेब खाली हो गए, ऐसा लग रहा है कमाई बंद हो गई उनकी, तो इसके वजह से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और आज इनका ट्रांसफ़र हुआ ये सिर्फ एक मैडम के कृपाली मैडम का नहीं है, आगे मुमरा में कोई अच्छा ऑफिसर नहीं है, इसके लिए ये दिखाया जा रहा है कि जो अच्छा काम करेगा उसको मुमरा से भगा दिया जाएगा। तो दोबारा यहाँ पे मुमरा में कोई अच्छा काम नहीं करे, जो भी है यहाँ पे आए और नशे के उसमें पैसा ले और बस नशा बेचे और हमारी जो आगे आने वाली नस्ल है, हमारी कौम है, वो नशे में बर्बाद हो जाए, यहाँ के लोगों का ऐसा सोचना है, इसलिए मैडम को भेज दिया। और आज हम इसके लिए यहाँ आए कि हमारी जो कुरपाली मैडम है जो यहाँ अच्छा काम कर रही थी, जिनसे हमको उम्मीद थी कि हमारा मुमरा साफ सुथरा हो सकता है, तो उनके लिए हमने ये किया। तो हमारी ये मांग है कि हमारी कुरपाली जो मैडम है उनको वापस लाया जाए। आसिम, समाज सेवा में अक्सर तुम आगे रहते हो, आज इन तमाम युवाओं के साथ में तुम रास्ते पर उतरे हो, इन प्ला कार्ड के साथ आई सपोर्ट मैडम कृपाली बोरसे मैडम, ब्रिंग बैक बोरसे मैडम, मगर क्यों, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई, मैं आपको बता दूँ सबसे पहला कि मुमरा में मेरी इतनी उम्र होने के बाद पहली मुझे ऐसी ऑफिसर लगी कि जो नशे के ऊपर काम कर रही थी। 11 बजे के बाद हर दुकान वालों को, हर नौजवानों को एक डर था कि एक मैडम आई है वो मैडम बोले पकड़ेगी, दुकान बंद करा देती है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अगर मुमरा में कोई काम किया है तो उन्होंने नशा बंद किया है। इतने ऑफिसर आए और गए, कितने आंदोलन हुए, कितने इंटरव्यू हुए, लेकिन नशा नहीं बंद हुआ, बेचैन नहीं बंद हुआ। आज वो मैडम आने के बाद मुमरा में सबसे पहले अगर वो मैडम ने किसी पे ध्यान दिया था तो वो नशे के ऊपर ध्यान दिया था और नशे को बंद कराया उन्होंने, कई बेचैन को बंद कराया। कई ऐसी मेरे को कान में सुनवाई आती थी, अरे यार मैडम ने इधर पे तोड़ फोड़ किया, मैडम ने ये किया, तो मैडम अच्छा काम कर रही थी तो मुमरा के कुछ बड़े अधिकारियों को मुझे लगता है पसंद नहीं आया उनका, तो उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। तो हम नौजवानों की मांग है कि उस मैडम को, हमारी रिपाली मैडम जो है, उनको वापिस से लाया जाए और नशे को भगाया जाए, नहीं तो फिर से वही होगा, 11 बजे के बाद फिर से सारी दुकानें खुलेगी और पूरी रात धंधा चलेगा, चाहे वो बेचन हो, चाहे वो सीख पराठा हो, चाहे वो होटल हो, सब चीज़ें वापिस से 11 बजे के बाद खुलना चालू हो जाएगी। इसके लिए हमारी एक ही मांग है, हमको मैडम चाहिए। और जो मुमरा सुधर रहा था वो सुधर नहीं पाएगा, वो सुधरेगा भी नहीं और गुजर जाएगा। सेबा जी, आप एक महिला है और कृपाली बोर्ड से भी एक महिला अधिकारी है, और एक महिला अधिकारी की अस्मिता के साथ में भी खिलवाड़ हुआ है और काफी गलत तरीके से उनका ट्रांसफर किया गया है, वजह आप जानती है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शहर में आप सक्रिय रहती है, सारी चीजें आपको पता है कि किस तरीके से सब कुछ हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी? थाने पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से,
गौर से मैडम को वापस लाने के मुद्दे पर? मेरा तो यही बोलना है कि भाई जिस तरीके से कृपाली मैडम जो मुमरा में काम कर रही थी, उन्होंने एनडीपीएस के इतने बड़े बड़े जो केसेस जो है वो आए हैं, पकड़े गए हैं और कॉरेक्स की डीलर्स पकड़े जा रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कोई आला अहदेदारों का हाथ है, जिसकी वजह से इनका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो दिया गया है। आप तमाम महिलाएं ये पोस्टर लेकर के रोड पर खड़ी हैं, क्या वजह है, क्यों मांग कर रही है आप कि एपीआई कृपाली बोरसे को जो है मुमरा वापस लाया जाए? जी, क्योंकि मैडम के आने से हमारे मुमरा में जो है जराइम जो है वो बहुत कम हो गए थे और नशा आवरी जो है ना वो बहुत कम हो गई थी, और बच्चों के माँ बाप जो जवान बच्चों के माँ बाप है वो सुकून से सो पाते थे, तो हम चाहते हैं कि ये मैडम हमें मुमरा में वापस चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सकीना खान। सकीना जी, आप अपनी तमाम और खवातीन साथियों के साथ जी हमारी एक ही मांग, बोर से मैडम को वापस लाओ का पोस्टर लेकर के यहाँ रास्ते पर खड़ी है, ह्यूमन चेन बनाई गई है जी। क्यों करके ये मांग आप लोग कर रहे, ऐसा क्या वजह है? यही जो मैडम नशे जो आदमी लड़के उनकी उम्र भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई की उम्र है, कमाने खाने वाले आदमी लोग हैं, अब मतलब हम लोग की भी ज़िंदगी अच्छी रहे, उनको नशे से बचाने के लिए मैडम जो कर रही है काम, वो हमको मतलब हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं और हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और करेंगे। तो आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं उनको वापस लाने के लिए, सीपी ऑफिस सीपी साहब से क्या आप बोलेंगे? यही कि मैडम का जो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं वो रुकवा दो, या ट्रांसफ़र जो दिए है हाँ वापस चाहिए हमारी, उनको वापस लाना है और कुछ नहीं चाहिए हमको। क्यों लाना चाहती है? क्योंकि वो इस एरिया के सब एरिया के वो अच्छा काम करती हैं, इसलिए उनको वापस चाहिए। डंडे मारते कुछ नहीं है हाँ, वो बहुत अच्छा काम करती है, उनके अच्छा काम करती है, इसलिए वापस लाना वापस चाहिए। चाचा, एपीआई कृपाली बोर्ड से वी वांट बैक का पोस्टर लेकर आप खड़े हैं, क्यों, क्या वजह है? ये अच्छा काम कर रही थी, इसको हमको वापस लाना चाहते हैं, इसको इसीलिए आप इसी। संगीता जी, आप शहर में समाज सेवा में अग्रसर रहती है, पिछले 3 महीने में शहर में बहुत सारे बदलाव आए थे, लेकिन ये बदलाव लाने वाली जो महिला पुलिस अधिकारी थी, आप भी एक महिला है, आप जानकार है क्या हुआ क्या नहीं, आप सारी चीज़ें जानती हैं, क्या कहेंगी इस मुद्दे पर और क्यों कर आप वापस लाना चाहते हैं एपीआई कृपाली बोरसे को? हमको मुमरा में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि मुमरा में ऐसा कुछ बुरा जो बाहर मैसेज जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे ऑफिसर्स की ज़रूरत है, और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं मेरे नज़र में। एक मुझे आज भी याद है कि एक पॉस्को का केस था, और ये मैडम को मैंने मॉर्निंग में कॉल किया, विद इन 1 आवर उन्होंने एक्शन लिया और उस बेटी को न्याय दिलाया है, तो ऐसे होनहार इंस्पेक्टर हम लोग को चाहिए हमारे मुमरा में, तो प्लीज़ गेट हर बैक। मैम, कम समय में उन्होंने अपना इतना अच्छा नाम कमाया जी, और ऐसे बाकी के ऑफिसर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहूँगा? मैं यही बोलूँगी कि आप इनकी तरह से बनिए और सब जन आगे बढ़िए, और समाज को तो छोड़िए, समाज में एक है, मैंने देखा है, मैं भी एक महिला हूँ, आखिरी हथियार यही रहता है कि महिला का खच्चीकरण, उसके चरित्र पर उंगली उठाना आखिरी हथियार होता है, तो किसी भी महिला को इस हथियार से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये हथियार अब फेल हो चुका है, तो इस महिला की तरह हमको मुद्दा महिला का है, महिला आयोग से क्या अपील करेंगी आप? हम तो अपील करेंगे कि ऐसी महिला हमको मुमरा में चाहिए, हमको मुमरा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इसलिए ये चाहिए। मैं नजमुद्दीन मलिक, मैं इसमें इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक पुलिस डिपार्टमेंट में वो किसको रखे, किसकी बदली करे, उनका ये जाती मामला है, उनकी इख्तियारात की बात है, लेकिन हमारे शहर में एक लेडी पुलिस ऑफिसर कंट्रोल कर लेती है, ऐसा मैसेज जब बाहर जा रहा था तो मुमरा बहुत हार्डकोर क्रिमिनलों का एरिया है, वो एक छवि साफ हो रही थी कि मुमरा में एक लेडी कंट्रोल कर लेती है, मतलब यहाँ के लोग बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए मेरी शिकायत नहीं, एक रिक्वेस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी से कि उनको वापस लाया जाए, और ये जो रातों को जो उन्होंने कंट्रोल किया था नाइट लाइफ पर बच्चे जल्दी घर पे आया थे, एक अच्छा मैसेज जा रहा था मुमरा के बाहर, और रात को रात लगती थी, इसीलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस आयुक्त से कि उनको वापस लाया जाए, और एक महिला, एक यूनिक पिक्चर आ रहा था कि एक महिला कंट्रोल कर रही है रात के टाइम पे,
तो बहुत अच्छा लगता था हमारे शहर में, एक नई चीज आ रही थी उसको वापस। नजमुद्दीन मलिक साहब, आप बार बार कह रहे एक महिला कंट्रोल कर रही थी, एक महिला कंट्रोल कर रही थी, कहीं ना कहीं पुरुषी अहंकार को, पुरुष के अहंकार को ठेस पहुंची है, उसी वजह से तो ये नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, कोई लेडीज अगर अपने को बोलेंगी ना घर पे जाओ, तो हम एजेड आदमी भी घर पे चले जाएंगे। थोड़ा सा लेडीज का एक रिस्पेक्ट भी रहता है। ठीक है, कोई लोग, कुछ लोग गलत आरोप करते, लेकिन लेडीज एक रास्ते पे उतर के जब बंद कराती है ना, उसका इफेक्ट क्या है। मैं तो ये बोलता हूँ कि मुमरा के तालुक से लोग बोलते हैं हार्ड कोर्ट क्रिमिनलों का एरिया है, लेकिन ये लेडी अकेली कंट्रोल कर रही थी ना, कुछ हुआ था क्या वहाँ पे? इसीलिए वापस लाना चाहिए कि हम लोग सॉफ्ट लोग है, ये मैसेज मुमरा के बाहर जाना। मैडम, ये आप लोग एक रोमन चेन बना के यहाँ खड़े हुए हैं, आपके हाथ में पैम्पलेट है, उसमें लिखा है हमारी एक ही मान कृपाली भूषण मैडम को वापस लाया जाए, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, कहते हैं हम ये संदेश देंगे कि जो कृपाली मैडम जी है, हमारे मुमरा को जो ज़रूरत थी, एक ऐसी लेडी ऑफिसर थी जो कि हमारे लिए, लेडीज लोगों के लिए, उनके मुद्दों के लिए वो हमारे सपोर्ट में खड़े रहे। जब भी पुलिस स्टेशन में जाओ तो लेडी ऑफिसर ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती थी, लेकिन कृपाली मैडम के आने के बाद में वो समस्या काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा जो एक लेडी ऑफिसर के तौर में उन्होंने मुमरा की जो काया पलट की है इतने कम वक्तों में, और इतने सारे भ्रष्टाचार जो अपने मुमरा में चल रहे थे, उसमें से जैसे एक महाड़ा वाला इंसिडेंट है जो उन्होंने उजागर किया, तो ये सब चीज़ें जो है नशे के खिलाफ उन्होंने एक्टिविटी की, तो मुमरा की जो नाइट लाइफ है उसको कंट्रोल किया, यहाँ पर महिला सुरक्षा उसकी वजह से बढ़ी, औरतें बिंदास बाहर निकल सकती हैं, बच्चे नशा किए बगैर जल्दी घर पहुंच सकते हैं, माँ बाप को उनका पता होता है कि बच्चे कहाँ हैं आज की डेट में। लेकिन ये सब चीज़ें जो एक मुमरा की भलाई के लिए चल रहा था, वो सडनली वो उसकी रोकथाम हो गई मैडम के ट्रांसफ़र की वजह से। और जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए, वो इल्ज़ाम अगर एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर लगते हैं और उसकी वजह से उनको जॉब से निकाला जाता है, मतलब उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, तो एक आम नागरिक होने के नाते, जो ये हम बैज भी पहन के खड़े हैं, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर इसके तहत हम देखें तो बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का एक मैसेज होता है कि हम एक जागरूक नागरिक के तौर पे हम एक समाज के अंदर छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। लेकिन हम अगर एक ऑफिसर के साथ में ये चीज़ होने के बाद में हम एज ए इंडिविजुअल इस चीज़ को करने से पहले हमें भी डर लगेगा कि अगर हम किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमारे साथ भी गलत होगा। तो ये डर एक हमारे लिए नुकसानदेह, हमारे मुमरा के लिए नुकसानदेह है। तो हम चाहेंगे, हम कमिश्नर साहब से और सारे अथॉरिटीज से निवेदन करना चाहेंगे कि कृपाली मैडम जी का केस दोबारा कंसीडर किया जाए और उन्हें मुमरा में उनकी पोस्ट पे दोबारा बहाल किया जाए, ताकि हमारा मुमरा एक तरक्की की तरफ गामजन हो सके। आज की डेट में वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वापस दोबारा वही चीज़ें चालू हो गई है, नाइट लाइफ चालू हो गई है, नशा बढ़ता जा रहा है, जो कि 3 महीने में बहुत हद तक रोकथाम हो चुकी थी उस चीज़ की। तो हम हमारे मुमरा की भलाई के लिए अपील करेंगे कि प्लीज़ उनको वापस ले आइए। संदेश यही है बेटा कि जो लोग आवारगी और रात को घूमने फिरने वाले, चरस गांजा पीने वाले, रोड पर धमाल करने वाले, उन सब के लिए एक वो डेंजर हो गई थी। 4 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आएगा। उसी तरह से रात को हर माँ बोलती थी बेटे अंदर हो जा, नहीं तो बोर से मैडम आ जाएगी। सर, जब से ना बोर से मैडम आई है, मुमरा में जो रात में आवारा लड़के घूमते थे या सब चार चार पांच पांच करके जो चर्सी वगैरह घूमते थे, उन पे बहुत कंट्रोल हो गया। और उन लोग सब लोग, सब हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, उन लोग सब चाहते हैं कि वो बोर से मैडम रहे, ताकि रात में जल्दी उनके बच्चे आने लगे घर पर। सबसे बड़ी बात, बच्चे डर के मारे, बोर से मैडम के डर के मारे रात में सब लोग जल्दी आने लगे। दुकानें जो दुकानें ऐसी थी 11-12 बजे, वो भी जरा बंद होने लगी। और जो बोरसे मैडम ने किया है, वो हम लोग सभी पेरेंट्स या हम सब मुमरावासी चाहेंगे कि बोरसे मैडम यहाँ से जाए नहीं तो वापस वो मुमरा वैसे ही हो जाएगा जैसा पहला था। तो प्लीज़ हम लोग को चाहिए कि हमारे बच्चों के सेफ्टी के लिए और लेडीज़ों के सेफ्टी के लिए हमें बोरसे मैडम चाहिए। हमें बोरसे मैडम चाहिए, क्यों? इसलिए
कि मुमरा की जो हालत पहले थी वही फिर से हम दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि उनके आने से बहुत मुमरा में सुधार आया था। तो लेडीजों के लिए स्पेशल और उन औरतों के बच्चों के लिए जिनके बच्चे बिगड़ चुके हैं, उन बच्चों को सुधारने के लिए हमको गौर से मैडम की बहुत ज़रूरत है। और अल्लाह करके अल्लाह ताला उनको जिसने ट्रांसफ़र करवाया है उनको हिदायत दे के उनको यहाँ पर वापस लेकर आए, यही हमारी मांग है और यही हमारा आखिरी फैसला है। आज हम लोग ने जो ये आंदोलन किया है, हमारे जो ह्यूमन चेन बनाई है, ह्यूमन चेन हमारा यही कहना है। आज मुमरा बहुत अच्छी तरह से सुधर रहा है, उसका वजह है बोरसे मैडम। आज बोरसे मैडम रोज नाइट में जो हमारे बच्चे दो दो तीन तीन बजे तक जो घर नहीं आते थे, मैडम के एक राउंड अप में सब बच्चे अपने अपने घर जाते थे। यहाँ पे जो चरस अफीम जो भी होता था, जो बच्चों में बटता था या कोई इधर आके बाहर के लोग जो बांटते थे, आज बोरसे मैडम ने उनको इतना कंट्रोल किया है ना। आप यहाँ से मुमरा स्टेशन से या रेती बंदर से आप झील तक जाएंगे, वहाँ पे आज लोगों के दिल में बोरसे मैडम का डर बैठा हुआ है। तो आज हमारे यहाँ मुमरा के बच्चे जब सुधर रहे हैं तो आज उनको हटाया जा रहा है। उनका हटाने का मतलब एक ही है, उन्होंने जो भी महाड़ा का इशू जो सामने लाए हैं दूसरे दिन उनका बदली करने का दे दिया है। लेकिन हमको सरकार से यही जानना है, जब एक लेडी, एक डेरिंगबाज लेडी जो आज औरतों के लिए आज बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसको क्यों हटाया गया है? और हमारी एक ही मांग है, अगर बोरसे मैडम को नहीं लाए तो हम पूरी संघर्ष टीम रोड पे रुता मैडम के साथ हम लोग रोड पे बैठेंगे और उनको लेके आए। हमारी एक ही मांग है कि किसी भी तरह से रुता मैडम ने और हमारे जो है अवार्ड साहब के मार्गदर्शन पे हम लोग रोड पे बैठेंगे और उनको लेके आए। भाई पिछले कुछ दिनों से एक हमारे शहर में PSI कुरपाली बोरसे मैडम बहुत अच्छा काम कर रही थी। आप सारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमें पता चला कि कुरपाली मैडम का ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुरपाली मैडम ड्रग के अगेंस्ट में और MMRDA में जो घोटाला हुआ उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। मुमरा की जो नाइट लाइफ की वजह से जो क्राइम बढ़ रहा था उसमें काफ़ी अच्छा काम किया। तो मैडम का सुनने में आया कि ट्रांसफ़र हो गया, तो हमारी प्रशासन से और पुलिस के आला अधिकारियों से अपील है कि मैडम को वापस लाया जाए और मुमरा शहर में जो अच्छा काम मैडम कर रही थी उनको करने दिया जाए। उसी को लेके आज ह्यूमन चेन बनाए उनके सपोर्ट में। मुमरावासी मैदान पुलिस के सम्मान में, मुमरावासी मैदान पुलिस के सम्मान में, मुमरावासी मैदान में वापस लाओ, 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 बोरसे मैडम को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, बोरसे मैडम को वापस लाओ, अरे वापस लाओ, वापस लाओ, बोरसे मैडम को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, बोरसे मैडम को वापस लाओ, अरे वापस लाओ, वापस लाओ, बोरसे मैडम को वापस लाओ, अरे वापस लाओ, वापस लाओ, बोरसे मैडम को वापस लाओ, अरे वापस लाओ, वापस लाओ, बोरसे मैडम को वापस लाओ, अरे वापस लाओ, वापस लाओ, बोरसे मैडम को वापस लाओ। Thank you.